Hello, everyone. Let's meet Arya, ma'am. She secured 581 out of 600s and she stood first in the Symbiosis College and also in the Ekatom Academy. Congratulations, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. <laughs> Madam, let's introduce yourself to all our students. Uh, sir, first of all, please don't call me ma'am. It's very weird. <laughs> I'm used to it. <laughs> Yes, sir. Uh, but uh, so, as you know, I'm Arya. I'm from Symbiosis College. And uh, mostly, I spend my time with friends and all. But 12th standard was really a turning point in that sense, uh, where you start focusing more on studies. And uh, with foundation going on as well, it's been stressful like that. But uh, having this experience changes you as a person and makes you uh, a better person in ways. So, that's. More about me in these past few years as well. Yeah, great. So, you said you are changing as a person, it is making a better out of your right? So, how Ekatom contributed towards that journey? It, in fact, contributed the most because uh, day in, day out, these days we spend more time with Sirs and you all rather than her <laughs> parents and friends. But uh, the constant learnings that teachers give us the constant uh, life advice uh, you know tips to how to get better at things which may not be restricted to classrooms but go outside that uh, those things really shape you up and they give us inputs that would really help us not only in the future but even right now on how to deal with our problems or how to balance things out so that that really helps yeah Ekatam also stands for like balance between teachers, students, and obviously right, parents. <laughs> so good. You're preparing 12th and safe foundation simultaneously. obviously it's very difficult for the students sometimes to cope up with the preparation of the both at the same point of time. So how you balance that out, how you manage the study. पीछे ना रहे एंड फाउंडेशन भी पीछे ना रहे, and foundation भी पीछे ना रहे. Okay. वो काफी डिफिकल्ट है क्वेश्चन <laughs> आंसर करना बट क्लास गेव एस अ लॉट ऑफ एडवाइस एस टू हाउ टू डू इट दे ऑल्सो टोल्ड इस यू नो यू कुड स्टडी फॉर दिस पीरियड और दिज मेनी आवर्स फॉर फाउंडेशन एंड दिज मेनी आवर्स और फिगर आउट नंबर ऑफ डेज यू स्टडी फॉर ट्वेल्थ सो वो बैलेंस कैसे करना है वो काफ़ी हद तक टीचर्स ने हमारा रास्ता काफी yeah. आसान कर दिया था उसमें तो वो एक बार सिस्टम बैठ गए कि समझ आ गया कि ये ऐसे किया तो ये हो जाएगा और फाउंडेशन में कहीं ना कहीं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की थोड़ी थोड़ी प्रेपरेशन हो जाती है तो वो काफ़ी हेल्प हो गई तो वो बैलेंस मिल गया क्लास से ही ऑब्वियसली uh, इस, जनर, इस जनरेशन के लिए uh, जो हम बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वी टीचर्स ऑल्सो यूज इट ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्शन टू दैट बट क्या तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थी एंड अगर थी तो कितने टाइम तक हाउ यू मैनेज दैट या जैसे बच्चे जनरली रील्स देखते बैठते आज टुगेदर गेम खेलते बैठते आज टुगेदर ऐसा कुछ था या राइट वैसे नहीं था बिकॉज ये एज अ टीचर मेरे लिए भी उतना समझना इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे जो हमारे व्यूवर्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इनपुट हो सकता है तो मैं सोशल मीडिया पे थी एंड uh, मेरे so, मैं कभी पहले से आई नॉट बिन अ वेरी यू नो पुट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम काइंड ऑफ पर्सन ओके तो मेरे लिए वो काम आ गया क्योंकि डिटैच करना थोड़ा आसान बन गया उसमें okay. पर रील्स uh, एक चीज थी जो बोर हुआ या कुछ अब दिमाग नहीं चल रहा है तो देख लो हो जाता था पर फिर थोड़ा दिन में आधा घंटा शायद कि एब्सोल्युटली कि अब दिमाग नहीं चल रहा कुछ okay. भी करना नहीं चलेगा या तो फिर एंड ऑफ डे व्हेन एवरीथिंग इज डन ऐसा आधा घंटा यूज टू तो कीप बट उससे ज्यादा फिर वो ऐप लॉक या मम्मी पापा को फोन दे देना वो फिर उसमें हो जाता था okay. uh, इस पूरे इसमें राइट right? पेरेंट्स केप ऑन सपोर्टिंग यू लाइक सुबह सात बजे अपने क्लासेस होते हैं राइट right? सुबह सात बजे फिर वो टिफ़िन वगैरह पैक करके देना इलेवन फिफ्टीन तक हमारे क्लासेस होते हैं एंड मे बी देर आफ्टर द कॉलेज एंड एवरीथिंग तो उस पूरे जर्नी में राइट right, पेरेंट्स का कैसे कंट्रीब्यूशन था क्योंकि हमारे विवर्स खाली स्टूडेंट नहीं है हमारे व्यवर्स पेरेंट्स भी है तो उनके एंगल से तू बोल सकती है पेरेंट्स का रोल काफ़ी इसेंशियल था क्योंकि अगर वो नहीं होते तो सुबह उठना ही मुश्किल था फ्रैंकली <laughs> uh, पर uh, वो सब बोल के भी वो एक कांस्टेंट सपोर्ट देना कि यू नो यू कैन डू दिस या हो जाएगा बस काम कर लो पढ़ लो जितनी ज़रूरत है उतना कर लो उससे चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा कर लो पर ओवरबर्डन भी मत करो वो जैसे आपने बोला बैलेंस वो बैलेंस लाने में मम्मी पापा ने बहुत हेल्प की क्योंकि शायद कभी कुछ ना करना या बहुत ज्यादा करना वो आसानी से फ्लो में हो सकता है पर वो एक ठहराव लाना वो मम्मी पापा ही कर सकते हैं ये रिजल्ट के बाद उनके रिएक्शन कैसे थे <laughs> रिजल्ट के बाद बिफोर मुझे ध्यान में आया समझ में आया कि रिजल्ट क्या है मम्मी पापा हेवन सब जगह पहुंच चुके थे <laughs> uh, उनसे ज्यादा खुश खुश शायद कोई नहीं है मैं भी नहीं हूँ उतना खुश पर uh, उनके खुश है देर हैप्पी देर प्राउड एंड एज अ चाइल्ड आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कुछ चाहिए आपको कि आपके मम्मी पापा आपके वजह से खुश ऑबली एक स्टूडेंट एज ए चाइल्ड हमारे लिए सबसे पहला रहता है कि पेरेंट्स हमारे वजह से प्राउड फील करें एंड यू डिड दैट एंड ऑब्वियसली यू विल कीप ऑन डूइंग दैट इसके सिवा राइट right? ऐसा कोई फैक्टर है दे मे बी योर फ्रेंड्स दे मे बी योर राइट ब्रदर्स और सिस्टर और एनी वन की जिसके वजह से ये जो तूने आज अच्छे इतना बेटर स्कोर किया है कि दे एक्टेड लाइक ए कैटलिस्ट कि उनके वजह से तूने खुद को पुश किया एंड यू एग्जीडेड दैट लिमिट तो ऐसे कोई तुझे लगता है कि एक फैक्टर एक कैटलिस्ट है सभी इन अ वे एंड सबसे ज़्यादा आई गिव क्रेडिट टू द टीचर्स जब भी एस uh, एम सर या जी सर बोलते थे कि यू uh, नो you know, सौ में से सौ लाना या जितना हो सके उतना करना कि भले ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्क्स उतने मैटर ना कर हो करे आज के ज़माने में पर वो कहीं ना कहीं ख़ुद के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और वो एक स्ट्राइव था वो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट डे से जो बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाना हो सके उतनी मेहनत करना मेहनत कम मत करना कहीं पर वो कहीं पर टिक गया और उसके साथ फ्रेंड्स भी थे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में साथ में फ्रेंड्स थे और वो एकत्व में भी थे तो उनके साथ बात होती थी एक दूसरे को हम बोलते थे कि आज मैंने ये किया आज वो किया तो फिर थोड़ी इंटरनल कंपटीशन भी लग जाती थी और फिर ट्राई करते थे कि एक दूसरे को पुश कर पाए तो वो सब मिला के बहुत ही बड़ा वो कैटलिस्ट रहा

अगर कोई सोचता है कि जैसे तूने रिज़ल्ट लाया उनको भी वो रिज़ल्ट लाना है या इवेंट तेरे से बेटर परफॉर्म करना है तो उनके लिए तेरे तरफ से क्या सजेशन रहेगा मेरे लिए वो की पॉइंट रहा कि जब मैटर किया सबसे ज़्यादा तब से तब एफर्ट्स डालनी तब शायद ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा टाइम पढ़ लेने का और अगर चलो आज दो घंटा पढ़ाई नहीं हुई तो उसका कवर अप हो सके तो पहले ही कर लो yeah. कि अगर पता है कि बाहर जाना है या नहीं होना है तो जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट सेट अमाउंट ऑफ थिंग्स टू बी डन एंड कंप्लीट दैट शायद डेली गोल ना रखो तो वीकली गोल रखो और उतना कंप्लीट करने का फुल ट्राई करो और बैलेंस रखो वरना आपका दिमाग कंप्लीटली आफ्टर अ पॉइंट बंद ही कर जाएगा या yeah. फास्ट एग्जाम पेपर्स कॉलेज के प्रीलियम्स पेपर्स वगैरह इवन अपने क्लासेस के टेस्ट्स वगैरह ये कितना मायने रखते हैं इन राइट सिक्योरिंग सो गुड मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इनफैक्ट एज यू सेट पहले वो भी एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था uh, क्लास के दोनों टेस्ट सीरीज दी थी मैंने हुँ. और वो मार्क्स से एक बहुत क्लियर आइडिया आ गया कि पेपर में एक्सपेक्टेड क्या है और मैं क्या कर रही हूँ और वो गैप कैसे ब्रिज करूँ वो तीनों चीजों का एक बहुत क्लियर आइडिया आ गया टेस्ट सीरीज के वजह से तो उसके वजह से आई वॉज बेटर इन टर्म्स ऑफ नोइंग टू राइट इन द पेपर लाइक व्हाट दे देन जस्ट बीइंग वेरी वेग अबाउट तो वो एक बहुत ही बड़ा काम आता है प्रीवियस पेपर्स और वो अगर कोई चेक करके दे दे तो उससे बेटर इनसाइट हो ही नहीं सकता या होप तुम्हारे जो एंसर्स है जो सजेशन्स है वह हमारे सब बच्चों के काम में आए एंड थैंक यू फॉर यूर टाइम वी ऑल एज अ एकतम फैमिली आर प्राउड ऑफ यू एंड राइट वी वॉन्ट टू एप्रिसिएट दैट थ्रू ए टोकन ऑफ गिफ्ट यस प्लीज एक्सेप्ट दिस ट्रॉफी फ्रॉम फैमिली एकतम फैमिली ऑल द बेस्ट Thank you.